सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो अभी जो आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इसी मेथड से जो रील आपने प्रीव्यू में देखी है उस वीडियो की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो, बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर एक VPN ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? सो मैंने पहले से ही कर रखा है। उसके बाद आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है और आप आईफोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है। और अगर आप एंड्रॉइड में डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम के पिन मैसेज में मैंने यहाँ पर कैपकट की लिंक दे रखा है, जिसमें कि आप एंड्रॉइड में न्यू लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वो वीडियो ऐड कर लेनी है जिसकी आप अपनी रील एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने एक ये वीडियो ऐड कर लिया, इसकी म्यूजिक को यहाँ से हम म्यूट कर लेते हैं और कहाँ से हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो को यहाँ से रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ से। तो वीडियो पर क्लिक करना है, स्प्लिट करके जो फर्स्ट वाला फालतू का पार्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, कहाँ कहाँ पर इसमें हमें स्प्लिट लगाने हैं, ये अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है 2 सेकंड पर। तो 2 फिंगर की मैंने इसको जूम किया, देखिए 0 सेकंड, 1 सेकंड और ये देखिए 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड ये आ गया। 2 सेकंड के बाद इसमें हमें थोड़ा जूम करना है और जूम करने के बाद हमें जाना है 20f। 2 सेकंड के बाद 5f, 10f, 15f एंड 20f, 20f आ गया। ये वीडियो पर क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले जो पार्ट है इसकी स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, ये देखिए, और राइट पर क्लिक कर देना है। और अब स्प्लिट इस पर हमने लगाना है 3.20f, तो 3 सेकंड ये है, 5f, 10f, 15f एंड 20f, 20f ये आ गया। तो सिंपली 25f, ठीक है, 3 सेकंड के बाद 25f पर लगाना है। तो 25f ये आ गया, एक बार इस पर क्लिक किया, एक स्प्लिट ये लगा दिया। अब उसके बाद हमें 4.20f, तो 4 सेकंड ये है, 5f, 10f, 15f एंड 20f, 4.20f पर एक स्प्लिट ये लगा दिया। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसकी स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर और 1.1x और राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 5.5f, तो 5 सेकंड ये है और 5f ये आ गया, ओके, और एक स्प्लिट हमने ये लगा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसकी स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर और 0.3x, ठीक है, और राइट पर क्लिक कर देना है। और अब हमें स्प्लिट लगाना है 6.25f पर, तो ये देखिए 6 सेकंड ये आ गया, 5f, 10f, 15f एंड 20f और 25f आ गया। ये एक स्प्लिट हमने यहाँ पर ये लगा दी। अब हमें इसमें कोई भी स्प्लिट नहीं लगाना है, स्टार्टिंग में आना है, एड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ऑडियो ऐड कर लेना है जिसकी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक हमारी ऑडियो है एक बार देख लेते हैं, ओके, सो यहाँ तक हमारी ऑडियो है। इस ऑडियो के लास्ट में आने के बाद स्प्लिट करके लास्ट वाले पार्ट को डिलीट, इस ऐप पर एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इसको भी डिलीट, ओके। सो अब इसमें कैसे कैसे एनिमेशन एंड इफेक्ट इसमें आपको लगाना है अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद बैक आना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है और डायमंड ब्लर पर क्लिक करना है और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। इसे हमें ओनली फर्स्ट वाले पार्ट तक ही लगाना है, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट ही है, ठीक है। यहाँ तक लगाने के बाद ये जो फर्स्ट वाला माइनस है इस माइनस पर क्लिक करना है, कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इन हेल्प पर क्लिक करना है, ठीक है, इन हेल्प पर क्लिक कर दो या पुल आउट पर आप क्लिक कर दो, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पुल आउट पर रहने देता हूं और राइट पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये लास्ट में आए, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लगा देना है रोक हॉरिजॉन्टल, राइट पर क्लिक कर देना है। देखिए इस पार्ट पर हमने रोक हॉरिजॉन्टल लगाया है और ये नेक्स्ट जिसकी हमने स्पीड 1.1x करी थी ये थी ना, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और इसमें लगाना है रोक हॉरिजॉन्टल, देन राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमें लास्ट में जाना है, लास्ट में जो ये माइनस है इस माइनस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस माइनस को हम थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं पहले और इस माइनस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लगा देना है कैमरे पर जाने के बाद, उसके बाद लाइट इफेक्ट पर आना है और यहाँ पर लगा देना है ग्लिटर 2, ठीक है, ये लगा दिया, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ये लगा लेता हूँ और अब जो हमारी वीडियो है वो प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसी हमारी वीडियो एडिट हुआ है और वो साउंड के साथ। सो आपने देखा सेम वही उसी तरीके से प्रोफेशनल रील हमारे यहाँ पर एडिट हो चुकी है। मेरी पुराना वीडियो था मैंने उसी के साथ एडिट करके दिखाई। जब आप अपनी वीडियो को इस तरीके से एडिट करोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल रील यहाँ पर एडिट हो जाएगी। सो अब इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है और विदाउट किसी प्रॉब्लम के गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के साथ।